फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नोवल आईटी। और गाइज, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइज, बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसी चीज़ें गाइज आपको बताने वाला हूँ जो कि आपने एक नया लैपटॉप परचेज किया है और उस लैपटॉप को किस तरीके से हम सेटअप करेंगे कि वो अच्छा हमारा, उसका एक तो एज लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक वो चलेगा, और उसमें क्या क्या हमें सेटिंग करनी चाहिए। सो गाइज, आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि ये चीज़ें आप 10 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिन चीज़ों को आप करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो लाइक अ प्रो वर्क करेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और गाइज, ये जो 10 चीज़ें हैं आप करके देखिए, आपके लैपटॉप में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर, सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है विंडोज अपडेट। डिफॉल्ट फीचर्स होता है इसमें क्या होता है, जब भी हम नया लैपटॉप लेते हैं गाइज, आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पैच हमेशा अप टू डेट रखना है। अप टू डेट रखेंगे गाइज तो उससे क्या होगा, कोई भी जो बैकडोर हैकर्स होते हैं वो कभी भी आपका सिस्टम हैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो वेट करते हैं कि नहीं है किसका सिस्टम जो है ओल्ड पैचेस पे वर्क कर रहा है। तो उसी आपको क्या करना है, जस्ट कि नहीं है लेटेस्ट पैच जैसे रिलीज होता है उसको अपडेट कर लेना आपने। सेकंड गाइज क्या होता है कि रिमूव ब्लॉटवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं गाइज, लाइक थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं, जैसे कि आप कोई भी HP सोनी या डेल का कोई भी अगर लैपटॉप लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि अननेसेसरी इंस्टॉल होती हैं। सो गाइज, आपको क्या करना है, कीप डिलीटेड ऑल, मतलब जितने भी हैं जो ब्लॉटवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जस्ट लाइक मतलब जैसे मैंने आपको बताया डेल का भी होता है, डेल के सपोर्ट असिस्टेंट होते हैं, ये क्या काफ़ी हैवी साइज लेते हैं। डिफॉल्ट जो है जैसे ही हमारा कस्टम इमेज के साथ लैपटॉप आता है तो काफ़ी हैवी लोड लेते हैं, तो क्या करना है हमको इन सॉफ्टवेयर को जो अनइंस्टॉल कर देना है। गाइस, थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा बायोमेट्रिक लॉक, ठीक है। बायोमेट्रिक लॉग इन गाइज आपको अनेबल कर लेना है। आप देखेंगे आजकल जो लैपटॉप की जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स आ रहा है और प्लस एज वेल क्या आ रहा है, फिंगरप्रिंट्स आ रहा है, फेस अनलॉक आ रहा है, तो आपको गाइज ये सेटअप भी आपको सबसे पहले कर लेना है। फोर्थ नंबर होता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो गाइज, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट एंटीवायरस होता है, टूल है, जो कि ऑटोमेटिकली इतना अप टू डेट रहता है कि कोई भी आपको वायरस जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता है। एज वेल गाइज, अगर मैं बात करूँ तो हमारा फिफ्थ नंबर पर आ जाता है फाइंड माई डिवाइस। आपको गाइज जैसे हमारा लैपटॉप वगैरह होता है तो उसको क्या करना होता है, फाइंड माई डिवाइस को आपको सेट करना होता है, उसको जस्ट आपको ऑन करना है। सेटिंग में जाके आप देखेंगे तो वहाँ से ऑन कर देंगे, जैसे ही आप ऑन करेंगे गाइज आपका जो लोकेशन है वो जस्ट ट्रैक होने लगेगा, ठीक है। आप ट्रैक इन द सेंस कि कल को आपका लैपटॉप गुम हो जाता है तो कभी भी वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है तो आपका वो ट्रैक कर सकते हैं। आपको टू डेट रखना पड़ेगा मोबाइल की सेटिंग के साथ, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल का अपडेट रहेगा वैसे सिंक रहेगा दोनों का, तो मोबाइल में आप इजिली देख सकते हैं कि आपका लैपटॉप किस लोकेशन पे है, तो उसको अनेबल करना जरूरी है। सिक्स नंबर पे गाइस आ जाता है हमारा इंस्टॉल गूगल क्रोम, ठीक है। गाइस, गूगल क्रोम आई एम नॉट सेइंग गूगल क्रोम इज बेटर देन द माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इज टू फास्ट, ओके। सो उसमें कोई इशू है नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हो, बट गाइज आप देखते हैं कि आजकल जो गूगल जो है जो AI यूज़ कर रहा है, मतलब इतना आगे तक की सोच रहा है, आपका जो यूज़र ID पासवर्ड वगैरह है ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, ठीक है, और वो सिक्योरिटी पर्पज सिक्योरिटी प्राइवेसी से अप टू डेट रहता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका सब कुछ सेफ रहेगा, बट आपको अपना क्रेडेंशियल संभाल के रखने हैं, ठीक है। सातवें नंबर पर आ जाता है ऑटोमेटेड बैकअप, ठीक है। ऑटोमेटेड बैकअप में गाइज आजकल आप जानते हैं वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल का, ये सब क्या है ऑटोमेटेड ड्राइव्स हैं, ठीक है, तो ये साइज़ भी अच्छा खासा आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंप्लीट जो है लैपटॉप को बैकअप लेना है, बट एटलीस्ट क्या है आप जो कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपको डेस्कटॉप का बैकअप ले लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, तो उनका आप बैकअप सेट कर सकते हैं। तो नंबर पर आता है कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या होता है गाइज, आपको बैटरी का लाइफ जो है आपको बेटर करने के लिए सबसे पहले थीम को चेंज करना पड़ेगा। थीम जो है गाइज, थीम का देखना पड़ेगा कि नहीं है हमारा जो थीम किस तरीके से प्रॉपर हो रहा है, बैटरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, और आप देखेंगे गाइज बैटरी जो परफॉर्मेंस होता है उसमें बैटरी लाइफ पावर सेवर ज़्यादा करेंगे तो आपको बैटरी का लाइफ भी चलेगा। एज वेल गाइज बात करें नाइन्थ नंबर पे, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं गाइज उनको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल इन द सेंस कि माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जैसे अवेलेबल हो जाएगा, जैसे एंड्रॉइड में हम बात करें तो हमारा प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन जो है अवेलेबल हो जाते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे भी आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और गाइज वो जो होगा वो क्या सिक्योरिटी रहेगा और उसमें कोई भी वायरस वगैरह आने की कोई चांस भी नहीं रहेगा जिससे आपके लैपटॉप पर कोई इशू आए। अदरवाइज 10 नंबर पर अगर मैं बात करूँ, 10th नंबर पर तो हमारा आता है थर्मल, ठीक है। थर्मल में गाइज तो मैं कहना चाहूँगा ट्राई टू कीप लैपटॉप ऑलवेज कूल, गर्मियों में कूल रखो और सर्दियों में उसको थोड़ा सा हीटअप दो गाइज, क्योंकि देखें आप सर्दी में ड्रॉबैक क्या रहता है कि सर्दी में जो भी पार्ट होते हैं उन पर कुछ केमिकल टाइप से जम जाता है, जो आइसिस वगैरह होती हैं उससे भी लैपटॉप में जो खराब होने का इशू रहता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा हीटअप देना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, आप लैपटॉप को क्या है कि अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो उसके नीचे अगर फैन, लैपटॉप के नीचे अगर गाइज फैन लगा के आप यूज़ करते हो तो आपको मैं 100% सिक्योरिटी देता हूँ कभी आपको इशू नहीं आने वाला है।
और ये परफेक्टली वर्क भी करेगा, आप इसको ट्राई करिए, आपके लैपटॉप में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।